तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने जो YouTube की वीडियो होती है उस पर आप थंबनेल कैसे लगा सकते हैं। आप सबको पता ही होगा कि जो YouTube वीडियो है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थंबनेल ही होता है, क्योंकि जो भी आपके ऑडियंस होते हैं वो आपका थंबनेल देख के ही उस पर क्लिक करते हैं। तो अगर आपका जो थंबनेल है वो अच्छा होगा तो आपकी वीडियो पर व्यूज़ आने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो आज दोस्तों आज मैं आपको एक बहुत ही मतलब कि क्लिक एक थंबनेल लगाना बताऊंगा कि आप थंबनेल को कैसे लगा सकते हैं। और अगर आपको थंबनेल बनाना नहीं आता है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट में लिख देना तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि थंबनेल को कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप थंबनेल को कैसे लगा सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर आपको सिंपली तो दोस्तों आपको सिंपली अपने वाइट स्टूडियो को ओपन कर लेना है। और वाइट स्टूडियो को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली जिस भी वीडियो पर आपने थंबनेल लगाना है उस वीडियो को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मुझे पहली वीडियो पर थंबनेल लगाना है तो मैं पहली वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर पेंसिल सी का बटन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। अब फिर पेंसिल पर क्लिक करना है और अब आपको कस्टम थंबनेल पर क्लिक कर देना है। और जो थंबनेल आपने बना रखा है उस पर आपको चूज कर लेना है और डन पर आपको क्लिक कर देना है। जो थंबनेल आपने बना रखा है अब आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है और डन पर आपको क्लिक कर देना है। और सेव पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके कुछ प्रोसेसिंग होगी और यहाँ पर आपका थंबनेल है जो वो लग जाएगा। तो दोस्तों ऐसे करके आप अपने थंबनेल को लगा सकते हैं। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल के नीचे जो लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उसको दबाना मत भूलना। तो दोस्तों चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।